हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th। इसके हम क्वेश्चन 1 to 4 कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। पहले हमें क्या दिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में दे रखा था और उसको हमने ओपन किया था। अब हमें ओपन करके दे रखा है और उसको हमें x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 9y² को 9 किसका है, 3, और इसको y का 3y² प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4z² प्लस 2। अब x और y है तो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या आएगी, x और y की 2 एज इट इज, x की टर्म हमारे पास क्या है 2x और y की 3y। फिर हमारे पास प्लस लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला वो किसके लिए है, प्लस के लिए। 2 इन टू हमारे पास y की टर्म क्या है 3y और z की क्या है 4z प्लस 2xz, 2x की टर्म क्या है 2x और z की टर्म क्या है 4z। अब हमें देखना है कि माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा इन दो टर्म्स में। ये जो आपको लास्ट 3 टर्म्स हैं इनमें से हमें ये देखना है कि किन दो टर्म्स में माइनस है, इन दोनों टर्म्स में माइनस है। तो इसमें से ये देखो कि कौन सा हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है, जेड हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो जेड की टर्म है उसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, जेड की टर्म क्या लिख दी हमने, नेगेटिव। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x की जगह क्या है 2x प्लस वाई की जगह 3y और z की जगह माइनस 4z और उसका पूरे का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखो 2x² 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का, तो इसको हमने क्या लिख दिया, रूट 2x का। पहले हम क्या देख लेते हैं कि नेगेटिव किस पे आएगा, सबसे पहले यही देखो, नेगेटिव हमारे पास ये दो क्या दे रखे हैं, नेगेटिव, ये दो नेगेटिव, इन दोनों में देखो क्या वेरिएबल कॉमन है, यहाँ भी x दे रखा है और यहाँ भी x, दोनों में x वेरिएबल कॉमन है। इट मीन्स जो भी हमारे पास x होगा उसको हम कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। तो x हमारे पास ये है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव माइनस रूट टू एक्स का होल स्केयर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y का स्केयर प्लस 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को अगर हम रूट के अंदर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं रूट 8। फिर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, कैसे, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 किसका होता है 2 का, तो क्या लिख देंगे 2√2 लिख सकते हैं 8 को। अब इसको हम क्या लिख देंगे कि जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसकी 8 की जगह हमने क्या लिखा, 2√2z का होल स्क्वायर माइनस, अब एक्स वाई की टर्म है 2, एक्स की टर्म क्या है माइनस आ गया ना रूट टू एक्स, और वाई की टर्म क्या है वाई प्लस 2yz, 2 वाई की टर्म वाई है और जेड की टर्म 2√2z, माइनस लगा दिया एक्स जेड है 2 और एक्स की जगह क्या है रूट टू एक्स और जेड की जगह 2√2z। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, x की जगह हमारे पास क्या है माइनस रूट 2x प्लस y की जगह y प्लस z की जगह 2√2z और पूरे का क्या लिख दिया हमने, होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्यूब दिया हुआ है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, 2x प्लस 1 का क्यूब, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब x क्यूब, x हमारे पास क्या है 2x का क्यूब प्लस y की जगह क्या 1 का क्यूब प्लस 3, एक्स की जगह 2x आ जाएगा और y की जगह 1 इंटू एक्स प्लस वाई 2x प्लस 1, 2 का क्यूब क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी क्या आएगा 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 8x³ प्लस 1 6 2 जा 12 और xx² प्लस 6 1 जा 6x, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x और लास्ट में क्या लिखा प्लस 1, इसको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है,
टू ए माइनस थ्री बी का होल क्यूब। अब ये हमारे पास क्यूब माइनस में है, तो माइनस का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह टू ए क्यूब माइनस थ्री बी क्यूब माइनस थ्री ए, हमारे पास क्या है टू ए, और बी हमारे पास क्या है थ्री बी इंटू ए माइनस बी का टू ए, टू का क्यूब एट ए क्यूब माइनस थ्री का क्या होता है थ्री, थ्री जहाँ नाइन, नाइन थ्री जहाँ ट्वेंटी सेवन, बी क्यूब माइनस थ्री टू जहाँ सिक्स, सिक्स थ्री जहाँ एटीन ए बी इंटू टू ए माइनस थ्री बी। एटी ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एटीन टू जहाँ थर्टी सिक्स ए ए ए स्केयर बी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया एटीन थ्री जहाँ फिफ्टी फोर बी स्केयर ए। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री बाई टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब थ्री बाई टू का होल क्यूब, थ्री का क्या आएगा ट्वेंटी सेवन और टू का एट, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब वन प्लस थ्री थ्री जहाँ नाइन बाई टू एक्स इंटू थ्री एक्स बाई टू प्लस वन, ये एज इट इज आएगा नाइन थ्री जहाँ ट्वेंटी सेवन टू टू जहाँ फोर एक्स स्क्वायर प्लस ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा नाइन बाई टू एक्स। नेक्स्ट है इसी का एक पार्ट और है फोर्थ, एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई होल क्यूब, ऐसे ही जैसे हमने पीछे किया है ऐसे ही सेम टू सेम ये होगा ए माई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, अब हमें क्या दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज, स्टेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है और हमें सोल्व करके दिखाना है कैसे। 99 क्यूब, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख लिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला बन गया ये a माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस माइनस है तो माइनस ही लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास क्या 100 क्यूब प्लस माइनस लगाओ यहाँ पे या फिर माइनस वन का क्यूब लिखें इसको हम, इसका क्यूब प्लस थ्री ए, और बी हमारे पास क्या माइनस वन इंटू ए माइनस बी। 100 का क्यूब क्या आएगा थ्री टाइम्स आ जाएंगे ना हमारे पास पेयर, क्योंकि थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी, अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस में आएगा 10 लेख में आएगा, कितना है 10 लेख माइनस वन का क्यूब वन माइनस टेन थ्री जहाँ 300 और 100 माइनस वन 300 100 माइनस वन ये एज इट इज़ रहेगा, 300 की और 100 की मल्टीप्लाई क्या आएगा 30,000 और 300 की और 1 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 300, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 970,299। नेक्स्ट है 102 की पावर 3 102 इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। 100 का क्यूब क्या आएगा 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू जा 6, 6 की और 100 के 600 इंटू 100 प्लस 2, 10 लाख प्लस 8 600 के और 100 के मल्टीप्लाई 60,000 प्लस 600 और 2 की मल्टीप्लाई 1200 आ जाएगी, और जब हम सभी का टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1,61,208। नेक्स्ट है ऐसे ही 998 का क्यूब करेंगे उसको क्या लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब कर देंगे, a माइनस बी का क्यूब a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं या फिर आना माइनस ही है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। हम 1000 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास सबसे इजी मेथड है कैसे करें, ये थ्री टाइम्स है तो हमें थ्री टाइम्स थ्री थ्री लिखनी है वन टू थ्री हो गए ना हमारे पास से, और माइनस टू का क्यूब एट आ जाएगा, थ्री टू जहाँ सिक्स, सिक्स की और थाउजेंड की 6000 हंड्रेड और थाउजेंड में से टू माइनस करेंगे 998, इसके और इसके मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको ओपन करके दे रखा है फिर से क्लोज करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी इंटू ए प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी इंटू थ्री ए बी स्क्वेयर।
अब हमारे पास 8a³, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a³ प्लस, इसको क्या लिख देंगे b³ प्लस 3a, हमारे पास क्या है 2a और b हमारे पास b, इंटू 2a प्लस b लिख लिया। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। इसी तरह से जब माइनस दे रखा है तो माइनस में लिखेंगे ये किसका है 2a का और ये किसका है माइनस b का क्यूब, तो इसको हम इनको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या है बोल देंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा 3 का क्यूब प्लस 125 किसका है 5 का, तो इसको मैंने लिखा 5 ए क्यूब। अब हम यहीं से क्या लिख देंगे 3 माइनस 5 ए का क्यूब। नेक्स्ट है 64 माइनस 64 किसका क्यूब है 64 ए क्यूब, ये हमारे पास किसका है 4a का क्यूब, ये किसका आ जाएगा माइनस 3b का क्यूब, इससे क्या लिख देंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 27 p क्यूब माइनस 120, पूरे को हम देखते हैं, जब हम देखते हैं तो पूरे पे अप्लाई करते हैं, फिर क्या आएगा 27 क्या है 3p का होल क्यूब है प्लस ये हमारे पास 216 किसका होता है 6 का, इसको हम क्या लिख देंगे 1/6 का होल क्यूब प्लस 3ab into a माइनस b। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब 3p माइनस 1/6 का क्यूब, इसको हम क्यूब को ओपन करेंगे तो इसको ऐसे 3 टाइम्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको वेरीफाई करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ये हमारे पास फॉर्मूला भी है बट हमें यहाँ वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसके मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट की फर्स्ट के साथ करेंगे एक्स और एक्स स्क्र की एक्स क्यूब, x की और माइनस एक्स वाई की माइनस एक्स स्क्र वाई, एक्स की और इसकी एक्स वाई स्क्र, फिर y की और एक्स स्क्र की क्या आएगी प्लस एक्स स्क्र वाई, इसकी और इसकी क्या आ जाएगी टू टाइम्स y हो गया ना माइनस एक्स वाई स्क्र, y की और वाई स्क्र की वाई क्यूब, माइनस एक्स स्क्र वाई है ये प्लस एक्स स्क्र वाई कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं फिर यही प्रूव करके दिखाना है। अब माइनस के लिए है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की और एक्स स्क्र की क्या आएगी एक्स क्यूब, एक्स और एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या आएगी एक्स स्क्र वाई, एक्स और वाई स्क्र की एक्स वाई स्क्र, फिर माइनस एक्स स्क्र वाई आ जाएगा, इसके और इसकी वाई टू टाइम्स हो गया तो माइनस एक्स वाई स्क्र और माइनस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्र कैंसिल, एक्स स्क्र वाई से एक्स स्क्र वाई कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट है फैक्टराइज, अब जो हमें ये फॉर्मूला दे रखा था जो हमने ओपन करके वेरीफाई करके दिखाया उसी से हमें क्या बनाना है फैक्टराइज करना है। 27y³ प्लस 125z³, इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, तो इसको मैंने क्या लिखा 3y³, 125 किसका है 5z का क्यूब, a³ प्लस b³ ये फॉर्मूला था हमारे पास प्लस के लिए, ये ओपन कर देंगे x प्लस वाई, एक बार दोनों को प्लस लिखेंगे 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्र 3y का स्क्र माइनस एक्स वाई 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस वाई स्क्र और 5z का होल स्क्र, ओपन करेंगे 3y प्लस 5z 3y का क्या आ जाएगा 9y स्क्र माइनस 3 5z 15yz और प्लस 5 का स्क्र क्या आएगा 25z स्क्र। नेक्स्ट है 64m³ माइनस 343n³, 64 को हम क्या लिखेंगे 4m³ माइनस ये क्या हो जाएगा 7n³ n m माइनस n, एक बार माइनस में लिखते हैं, अगर माइनस है तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे माइनस में और सभी प्लस में होंगी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, एक्स हमारे पास क्या 4m माइनस 7n, फिर इसका स्क्र 4m स्क्र प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का होल स्क्र, अब ये एज इट इज रहेगा 4m का स्क्र 4 का क्या आएगा 16m स्क्र, 4 7 जा 28mn प्लस 7 का स्क्र 49n स्क्र। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 11, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x होल क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स वाई जेड, एक्स की जगह क्या है थ्री एक्स, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड। इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पहले तीनों को प्लस में लिखेंगे, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर स्केयर लिखेंगे तीनों का, थ्री एक्स का नाइन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस, फिर तीनों के पेयर बनाएंगे थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड, यही बनाना है सिर्फ हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेके चले, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्केयर प्लस वाई माइनस जेड स्केयर प्लस जेड माइनस एक्स स्केयर, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स माइनस वाई का होल स्केयर ओपन करो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy प्लस, फिर इसका ओपन करेंगे y स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस 2yz प्लस इसका करेंगे जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2xz, ये एज इट इज। अब एक्स स्केयर 2x स्केयर हो जाएगा, y स्केयर 2 टाइम्स है 2y स्केयर और जेड स्केयर भी 2 टाइम्स है 2x 2z स्केयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, उस 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। फिर हम क्या करेंगे इस एक्स वाई जेड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स की सभी के साथ फिर वाई की सब के साथ फिर जेड की सभी के साथ, एक्स की करूँ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई स्केयर हो जाएगा, एक्स जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्केयर जेड। फिर हम किसकी करेंगे वाई की, फिर इसके साथ करो वाई एक्स स्केयर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर हम थर्ड क्या है जेड, जेड की करेंगे इसके साथ एक्स स्केयर जेड वाई स्केयर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स जेड स्केयर। फिर जो कटता है वो कैंसिल कट कर देंगे और जो बचेगा वो क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, थ्री टाइम्स है तो क्या लिख देंगे माइनस थ्री एक्स वाई जेड, और यही हमारे पास अपोजिट साइड में था। ठीक है, ये वेरीफाई करना था हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। देखो इसका हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो है तो इसका क्यूब ओपन करेंगे, इसका जब हम क्यूब ओपन करते हैं तो क्या आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड और इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे उसको जीरो, तो क्या बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। एक इसका हमारे पास दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। एक्स क्यूब प्लस देखो जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, आपको क्या करना है प्रूव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम इसको अपोजिट साइड में लेके आए तो ये आएगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी हमने पीछे किया था ना कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला था हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर गिवन क्या है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है जीरो, तो इसके अंदर पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जीरो, और इनटू में क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। जब हमने ये जीरो है, जीरो की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को क्या कर देगा जीरो,
तो इधर क्या आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको माइनस इसको इधर लेके जाओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमारे पास से आ जाएगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल है, 3xyz के इक्वल है, यही प्रूव करना था ना हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, कैलकुलेट बिना कैलकुलेट किए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ABC के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर ओपन करेंगे तो ये किसका है, सेम यही बन जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 3xyz, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x की जगह क्या लिखेंगे माइनस 12, y की जगह 7 और z की जगह 5, तीनों की चारों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 1260, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे हम। नेक्स्ट है इसी तरह सेकेंड पार्ट है इसका, 28 प्लस क्यूब दे रखा है 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13 क्यूब, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3ABC इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बस। नेक्स्ट है गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, आपको रेक्टेंगल दी हुई है और क्या दे रखा है, गिवन पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है लेंथ एंड ब्रेथ इन विच देयर एरिया आर गिवन, आपके पास गिवन क्या है एरिया, अगर आपके पास एरिया गिवन है तो इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमें जो भी इक्वेशन दी हुई उसके दो फैक्टर करेंगे, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ। देखो कैसे एरिया दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, सिंपल है हमारे पास, इसके तो हम फैक्टर करेंगे कैसे, 25 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300 आएगा। अब कोई भी दो नंबर ऐसे ढूंढो कि प्लस करें 35 आ जाए, मल्टीप्लाई करें 300 तो क्या आएगा 20 और 15, प्लस करेंगे 35 मल्टीप्लाई करेंगे 300, 25a² 35 को ब्रेक किया 20a और 15a प्लस 12, दोनों में कॉमन क्या आएगा 5a, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 54 जा 24, माइनस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 5a माइनस 34 जा 12, दोनों में 5a माइनस 4 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 5a माइनस 3। तो अब हमारे पास ये क्या होगी, एक लेंथ है एंड एक ब्रेथ है हमारे पास। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको भी हम ऐसे ही पेयर में कन्वर्ट करेंगे, एक हमारे पास लेंथ आ जाएगी एक ब्रेथ। नेक्स्ट है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर दे रखा है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इट मीन्स जो भी हमें दिया हुआ है उसको थ्री पेयर्स में कन्वर्ट करना है हमें, ए बी सी 3x² माइनस 12x है, दोनों में से कॉमन क्या आया 3x, x माइनस 4, तो थ्री पेयर हमारे पास क्या होंगे 3x और x माइनस 4, हो गए ना हमारे पास 3, तो लेंथ 3 हो गई, ब्रेथ x हो गई और हाइट हमारे पास x माइनस 4, ये तीन डायमेंशन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट में क्या दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया, पूरे में से क्या आया 4k, 4 3 जा तो क्या बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसके फिर हम पेयर करेंगे क्या आएगा 4k को बाहर ले लिया इसके पेयर कर लेंगे स्केयर में है ना, तो स्केयर में फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके हमारे पास ये थ्री पेयर्स आएंगे, ये हमारे पास क्या होगी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज भी कंप्लीट एंड हमारा चैप्टर भी कंप्लीट, सेकंड चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5। ओके थैंक यू।